हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले एक कंपनी की जिसने आपको बोनस दिया है, किस रेशो में बोनस दिया है उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिजल्ट से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि रिजल्ट भी अभी आते हुए नजर आया है। और अगर बताना चाहूँ तो 3 दिन पहले थर्सडे को मैंने वो वीडियो बनाई थी और बताया था कि मंडे को ये कंपनी बोनस देने जा रही है, ओके, और बोनस देगी देगी, तब तक अनाउंस नहीं किया था। बट मुझे बिलीव था जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी एक बहुत फंडामेंटली और एक बड़ी ब्रांड से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कंपनियां अपने कमिटमेंट पे हमेशा रहती है। तो उसी चीज़ को लेते हुए मैंने कहा था कि किस प्रोपोर्शन में देगी बोनस वो तो नहीं पता था, बट स्टिल अब हमारे पास न्यूज़ भी है, बैलेंस शीट भी है, एज वेल एज बात करें उसके रिजल्ट भी है, तो अब एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी, सारे फंडामेंटल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए। एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे आज के कल के दिन में मैंने आपको कुछ न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। DFM फूड्स भागता हुआ नजर आया था लगभग 1.5-2%, यहाँ पर मार्केट क्रैश भी होती हुई हमें नजर आई थी, ओके, उसके बाद ऊपर भी आ गई। यहाँ पर देखिए जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, हैवेल्स भागता हुआ नजर आया, हिटाची भागता हुआ नजर आया, एज वेल एज हम बात करते हैं यहाँ पर ये शेयर की मंडे को भागता हुआ नजर आएगा, तो ये शेयर भी आज के दिन में 2-3% भागता हुआ नजर आया है। तो इसी तरीके से ये शेयर से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं, ओके, आई एम नॉट सो ओवर कॉन्फिडेंट, बट हाँ मार्केट की स्टडी, ओके, जो नॉलेज हमें मिलती रहती है उसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी चीज़ें हमेशा सही रहे। बट मार्केट में कोई टाइम नहीं कर पाता और मार्केट में कोई सही नहीं रह पाता, बट स्टिल वी ऑलवेज ट्राई कि हमारी जो हम जो स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन इज नॉट अ बैड थिंग एंड नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल जो चीज़ होती है मार्केट में देखते देखते हमें जब सीखते डेली सुबह से शाम तक मार्केट में वॉच करते तो कुछ चीज़ का हमें आइडिया आ जाता है। आप भी इसी तरीके से अगर आप न्यू भी है, आप मार्केट में नए आए हैं, तो यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से मार्केट चलती है। जब थोड़ा सा टाइम देना शुरू करोगे, इफ यू विल टेक इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, ऑब्वियसली यू विल गेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि आप पता लगा पाओ कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरीके से शेयर ऊपर और नीचे होते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाते रहते हैं हम। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, अगर आपका ट्रेड डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए, और हमारा देश कोविड से लड़ रहा है, ओके, सो वी शुड स्टैंड टुगेदर और हमें सबकी मदद करनी चाहिए इस माहौल में। आपके अगर नियर बाई कोई नीडी वन है उसकी हेल्प करिए, एज वेल एज अगर आप पैसों से मदद करना चाहते हैं तो आपके आसपास भी बहुत सारे फंड्स और बहुत सारे NGOs चलते हैं। एज वेल एज अगर बात की जाए डायरेक्टली आप PM केयर फंड में भी आप डोनेट कर सकते हैं, ये इनका लिंक है, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, आप वहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, ओके, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर बोनस से रिलेटेड। देखिए कंपनी इज गोइंग टू गिव यू बोनस, बट किस प्रोपोर्शन में बोनस देने जा रही है, देखिए मैं पढ़ देता हूं। रिकमेंड द बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1, ओके, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच हेल्ड बाई द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। मतलब आप रिकॉर्ड डेट जब इसकी आएगी, अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, बट इसकी रिकॉर्ड डेट जब आएगी तो अगर आपके अकाउंट में 100 शेयर होंगे तो आपको 50 शेयर उसमें एज अ बोनस के तौर पे मिलेंगे। मतलब आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब हाफ, मतलब 50% शेयर आपको ऐड होते हुए आपके नजर आएंगे। तो ये रिकॉर्ड डेट कब आएगी? जब ये आएगी ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली टेल यू एट दैट टाइम, बट अभी रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। बट अगर हमने ये 3 दिन पहले वीडियो बनाया था और अच्छा खासा आपको गेन, मतलब बात करें तो 5-6% के गेन आपको तब से मिल चुके हैं, एज वेल एज इसके देखिए रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट से रिलेटेड एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ₹1 मिलियन पे ये रिजल्ट है, ओके, यहां पर हम और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगी, ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट Q3 के थे, ये Q4 के रिजल्ट है जो कि लास्ट ईयर के थे। तो यहाँ हम बात करते हैं इनकम की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम की सीधे बात करते हैं तो टोटल इनकम 22,756 करोड़ है, इससे पहले 13,570 करोड़ के आसपास थी और उससे पहले 17,245 करोड़। अगर ईयरली बेस पर बात करें तो बहुत अच्छी जंप है, एज वेल एज क्वार्टरली बेस पर ही बात करें तो बहुत अच्छी जंप है। यहाँ पर बस अदर इनकम इस बार कम है, लास्ट टाइम अदर इनकम Q4 में ज़्यादा थी, बट स्टिल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, इस बात को याद रखना। कंपनी इज डूइंग
बीइंग अ ग्रेट बिजनेस, इस बात को आप याद रखना। अब बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस देखिए ऑब्वियसली बात है कंपनी एक्सपेंस भी करती है, कोई काम कर रही है तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो 20,809 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए नजर आया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13,757 सॉरी ये करोड़ में नहीं मिलियन रुपीज़ में, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर उससे पहले 16,501। तो अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंस बढ़ते हुए हमें नज़र आया क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे, क्योंकि उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी है। ओके, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये चीज़ चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिशिंग गुड्स स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर भी इन्होंने ज़्यादा अच्छा खासा खर्च करता हुआ नजर आया है, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आया है। बट अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं आफ्टर डिडक्शन टैक्स एंड ऑल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना 1,367.59 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। उससे पहले कंपनी माइनस में थी 72 मिलियन रुपीज़, उससे पहले अगर बात करें तो 600 मिलियन रुपीज़ मिलियन इन रुपीज़ में यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, जो कि क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। ईयरली बेसिस की अगर बात करूँ तो 2 गुने से भी ज़्यादा की यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी को होता हुआ नज़र आया, जो कि अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए कि एक इस तरीके का बेहतरीन बिजनेस करती हुई कंपनी नज़र आती है। इसके अलावा EPS की बात कर लेते हो, तो देखिए EPS आपको एक पूरा 10 का फेस वैल्यू का यहाँ पर एक शेयर है, जिसका EPS इस बार 4.48 है, इससे पहले अगर बात करें 0.68 था माइनस में, और इससे पहले अगर बात करें 1.9। तो मतलब ईयरली क्वार्टरली सब बेसिस पे यहां पर कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि कंपनी नो हाउ टू मेक बिजनेस। तो अगर बात करें कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। और अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर परसों की डेट में यहाँ पर वीडियो बनाई थी 29th को, और उस टाइम शेयर की प्राइस क्या चल रहा था 942। और अगर बात करें इस टाइम के शेयर प्राइस की, तो अभी की शेयर प्राइस चल रहा है कितना, तो अभी शेयर पर 103 रुपीज़ पे, अगर बात करें लगभग 70 रुपीज़ का यहाँ पर सीधा साधा जंप आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की, तो लगभग आज की डेट में भी 3,49,000 शेयर 20% के शेयर उठाते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है ही, देखिए यहाँ पर देख लीजिए बोनस, ओके आउटकम्स ऑफ द मीटिंग, तो आउटकम क्या था, रिजल्ट था, जो कि अच्छा खासा आपको मिलता हुआ नज़र आया। अगर हम बात करें यहाँ पर और क्लियर पिक्चर हो जाएगी आपको कंपनी करती क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी वरुण बेवरेजेस पेप्सी एंड पेप्सी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप ट्रॉपिकाना, मिरिंडा 7 अप, पेप्सी, एक्वाफीना, ओके ये जितने भी आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिलते हैं इससे रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, और अलग अलग जगह पर इनके प्लांट्स है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, देखिए कंपनी मिड कैप है, 27,441 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है, ROC 7.34 है, कुछ खास नहीं है, बट स्टिल कंपनी इज डूइंग बिजनेस। डेट थोड़ा सा कंपनी के ऊपर है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू की अगर बात की जाए, तो लगभग 1,139 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो मतलब कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि अगर मुझे भी लगता है कि 1,139 रुपये पर कंपनी अब जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इनका बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो देखिए अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, और इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो सारे क्वार्टर्स में अभी अगर हम बात करें 2018 से अभी तक, तो सबसे अच्छे रिजल्ट पेश हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 2018 में यहाँ पर ज़्यादा था, ओके जस्ट बिकॉज कुछ यहाँ पर हाँ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ नज़र आया है, यहाँ पर एक्सपेंस थोड़े से कम होते हुए नज़र आए थे इस वजह से। अगर बात करें स्टिल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 319 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट होता हुआ नज़र आया है, इससे पहले एक बार जून में भी हुआ था, बट कोई इशू नहीं है, कंपनी ऊपर नीचे जाती रहती है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 289 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जहाँ पर लास्ट क्वार्टर में माइनस में था, अभी प्रॉफिट में है 125। एज वेल एज हम ईयरली बेसिस पर बात करते हैं, तो 748 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखिए हर क्वार्टर में बढ़ता बढ़ता नज़र आ रहा है, जो कि 7362 यहाँ पर करोड़ मिलियन यहाँ पर करोड़ रुपीज़ में तब्दील हो चुका है। एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 22 करोड़ का प्रॉफिट 275 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है। ओके यहाँ पर कुछ शायद एडजस्टमेंट अदर इनकम वगैरह यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर इसी वजह से देखिए
यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है इस बार ज़्यादा होते हुए नज़र आए हैं, लास्ट टाइम भी यहाँ पर सेम ही थे ओके, बट यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर सेल्स ज़्यादा होती नज़र आई थी, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको नेट प्रॉफिट में होता हुआ नज़र आएगा। बट कंपनी इज डूइंग बिजनेस, और कंपनी दो साल में अगर बात की जाए, दो साल में दो बार आपको बोनस दे चुकी है, और आपको क्या चाहिए? ऐसी कंपनी जो आपको बोनस देती आ रही है, जो आप कंपनी बिजनेस करती नजर आ रही है, ऐसी कंपनी में ही पैसा लगाना अच्छा रहता है ओके। बैलेंस शीट की बात की जाए, दिसंबर में लगभग 3,052 करोड़ रुपये का यहाँ पर रिजर्व्स थे। बोरोइंग की बात की जाए, कंपनी के पास दिसंबर में 1,200 यहाँ पर 3,000 करोड़ की ही बोरोइंग है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मार्च में, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट, तो देखिए घटता हुआ नज़र आया है, तो यहाँ पर बोरोइंग भी घटती हुई है। ऑब्वियसली बात है, अभी अपडेट पूरा हुआ नहीं है, एक बार अपडेट हो जाएगा तो बोरोइंग भी घटती हुई नज़र आएगी। एज वेल एज कंपनी यहाँ पर अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर में भी खर्च कर रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में खर्च कर रही है। एज वेल एज फिक्स्ड एसेट की बात करें तो अच्छे खासे फिक्स एसेट भी है। कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, कंपनी के पास अच्छे खासे कैश इक्विवेलेंट है ओके। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,352 करोड़ रुपये का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली अगर हम बात करें जून 2020 से यहाँ पर सेम है। अगर हम बात करते हैं FIIs के भी लगभग सेम ही आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी कम है। DIIs की बात करें तो यहाँ पर देखिए DIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पब्लिक की यहाँ पर बात करें तो पब्लिक ने भी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नज़र आई है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से देखिए अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, गुड रेपुटेड ग्रुप है ओके। अच्छे अच्छे कोका कोला के बाद अगर नामी ग्रामी जो ब्रांड आपको नज़र आता है वो पेप्सी नज़र आता है, और यहाँ पर अच्छे अच्छे इनके जूसेस भी निकलते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप इस कंपनी की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, जब एक बार रिकॉर्ड डेट आएगी ऑब्वियसली आई विल टेल यू। और अभी अगर बात करें तो मुझे लगता है अपने बोनस देने से पहले पहले ये कंपनी इस लेवल तक पहुंचती हुई नज़र आएगी। तो 12% का और 13% का यहाँ अपसाइड्स मुझे साफ नज़र आ रहा है ओके, जो कि इसका ऑल टाइम ही अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई है या नहीं है, हाँ ऑल टाइम हाई ही नज़र आ रहा है, ऑल टाइम हाई इसका इसी लेवल पर नज़र आ रहा है। तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, कंपनी अच्छी खासी मुझे तो एटलीस्ट परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। और अगर इसके RSI की भी बात करें तो इसका RSI अगर हम देख लेते हैं, तो इसका RSI अगर कम आ रहा है, इसका RSI 58 के आसपास यहाँ पर RSI इसका चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी अच्छा खासी है, कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। आप लोग ऑब्वियसली बात है गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, इनके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बिस्ते हुए नज़र आएंगे, और सेलिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर रिजल्ट में और तब्दीली होती हुई नज़र आएगी। और बोनस तो कंपनी दे ही रही है, एज वेल एज डिविडेंड भी यहाँ पर कंपनी देती आई है, जो कि अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बट स्टिल अगर बात करें, इस बार नहीं दिया है, 2020 में यहाँ पर दिया था, 2019 में दिया था, डिविडेंड कम देती हुई नज़र आती है, बट कोई इशू नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है। तो आप इस शेयर की तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं। 13% का अपसाइड्स मुझे नज़र आ रहा है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बाकी बोनस शेयर भी इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 50 शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 150 शेयर आपके नज़र आएंगे आपके पोर्टफोलियो में। बट एक रिकॉर्ड डेट होने के बाद आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, रिकॉर्ड डेट से पहले आपको आपके अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए, और रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर है, कोई भाई बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।